कनेक्शन टूट गया था, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, एंट्रोपी को जरूरत नहीं है। स्फेरिकल सेपरेटर देख रहे थे, उसमें हमने ये चार पॉइंट डिस्कस किए थे। फर्स्ट वन इज द लेवल कंट्रोल हार्ड होगा, वो अभी आपको पता चलेगा जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको पता चलेगा, सेपरेटर का इफेक्टिवली सेपरेट होगा। ओके, तो उसके बाद लो वॉल्यूम हैंडल कर पाएगा, तो ये सिंगल वेल में एप्लीकेबल है। और ये मोस्टली क्यों यूज़ होता है, टेस्टिंग के लिए। जैसे कि सेपरेटर टेस्ट में आपको सेपरेटर चाहिए होगा तो वहाँ पे आप ये लगा दो, ठीक है। तो ये चार फंक्शनलिटी है। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्फेरिकल है तो ऑब्वियसली ये स्फेरिकल होगा। स्फेरिकल शेप यानी कि आप एक फुटबॉल सोच लो, ठीक है। इस तरह से एक फुटबॉल को मैं 2D में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से एक फुटबॉल होगा, ठीक है, अच्छा नहीं हुआ पर चलेगा। उसके अंदर ये इस तरह से बफेल प्लेट होगी। ये क्या है, बफेल प्लेट, और आपका इनलेट ऊपर से हो रहा होगा, ठीक है। और आपने इसको क्या किया होगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे आपने मिस्ट एक्सट्रैक्टर यहाँ पे लगाया होगा, ठीक है। इस तरह से आपने मिस्ट एक्सट्रैक्टर लगाया होगा। और आप अब क्या करोगे, यहाँ से अपने लिक्विड को, ये इनलेट है, वहाँ से अपने लिक्विड को फॉल डाउन होने दोगे, ठीक है। ये फोल्ड डाउन होगा तो ऑब्वियसली ये क्या है, बफर प्लेट है, वहाँ पे मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है। ये इस तरह से जाएगा, ठीक है, इस तरह से जाएगा। तो जो भी गैस होगा वो ऑब्वियसली ये मिस्ट एक्सट्रैक्टर में से होके यहाँ से हम प्रेशराइज के साथ गैस को आउटलेट में ले लेंगे, और जो अपना लिक्विड होगा उसको ऐसे साइड में से आउटलेट में ले लेंगे, ठीक है। तो ये स्फेरिकल शेप है, उसके एडवांटेजेस जो थे वो मैंने लिखवा दिए, एज वेल एज दी आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो ये कैसे काम करता है, ठीक है। स्फेरिकल शेप में होगा। अब देखो यहाँ पे इसका जो मोमेंटम चेंज होगा वो बहुत ही अच्छा खासा होगा। ऑयल देखो, ऑयल डायरेक्टली यहाँ से डाउनवर्ड ही आएगा, ठीक है, यहाँ से डाउनवर्ड ही आएगा। और गैस होगा वो ऑब्वियसली उसकी टेंडेंसी तो अपवर्ड की है तो वो अपवर्ड ही जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या अच्छा खासा हो रहा है, सेपरेशन इफेक्टिवली हो रहा है, बट इसका वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं बियर कर सकता। ये ओनली टेस्टिंग के लिए होता है, और इसमें लेवल कंट्रोल हार्ड है, क्योंकि अब गैस देखो, गैस तो हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली गैस आप डाउनवर्ड से ले रहे हो तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये एक तरह सा छोटा सा सेपरेटर है, ठीक है। ये एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख लो, इतना वेल इनफ है। आगे बात करूँ साइक्लोन सेपरेटर, ठीक है, साइक्लोन सेपरेटर हम आगे बढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये ऐसा होता है, हमने साइक्लोन की बात की होगी, ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और इसमें सेंट्रीक्यूगल फोर्स से, ठीक है, आपने यहाँ पे इनलेट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे गैस आपका क्या होगा, इस तरह से घूमता घूमता हुआ आएगा, बिलो तक जाएगा, और आपका जो गैस होगा उसे इतना अच्छा मोमेंटम मिला होगा कि यहाँ से अच्छा खासा सेपरेट हो जाएगा, और आपका लिक्विड है वो ऐसे चला जाएगा। यहाँ पे सॉलिड हो गए वो भी इजीली इसमें क्या हो जाएंगे, सरक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा साइक्लोन सेपरेटर होता है। ये फोर्थ सेपरेटर आप लिखना चाहो तो लिख लो, साइक्लोन सेपरेटर। ये किस पे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से घूमेगा, फ्लो आपका घुमरी 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 करता हुआ नीचे जाएगा, तो उसमें अच्छा खासा गैस का सेपरेशन होगा, और गैस की यहाँ पे एनर्जी हाई होगी, वो ऊपर जाने की ट्राई करेगा तो इजीली इसमें से ऊपर चढ़ जाएगा, जबकि आपका ऑयल होगा वो डाउनवर्ड चला जाएगा। दिस वी विल डिस्कस लेटर ऑन समवेयर, ओके, समवेयर ये एक जगह पे है, तो वहाँ पे मैं आपको इसका प्रिंसिपल और वो सब अच्छे से बताऊँगा, तो अभी जस्ट याद रखो ऐसा होता है कुछ, ठीक है। सो ये हमने अभी तक तीन सेपरेटर देखे, बहुत ही अच्छे सेपरेटर थे, ठीक है। तो अब आप इसको रिवाइज कर लो, करना है तो, ठीक है। मैं अब बात करता हूँ, एक और दो असेंबली है, ठीक है। हमने हीटर ट्रीटर का यूज़ किया इमल्सन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, तो उतना वेल इनफ है। अब देखो डी सॉल्टिंग में नहीं पढ़ा रहा हूँ, वाई, बिकॉज डी सॉल्टिंग हम कैसे करते हैं, तो ग्रेविटी ही सेटल होने देते हैं, कुछ इस तरह से होगा। मान के चलो आपने क्या किया, आपका जो क्रूड ऑयल आ रहा है, चलो एक थोड़ा सा डी सॉल्टिंग के ओवर नज़र कर लेते हैं। अब ये क्रूड ऑयल की है, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, हम क्रूड ऑयल को डी सॉल्ट कर रहे हैं, ठीक है। गैस को डी सॉल्टिंग नहीं किया जाता, क्रूड ऑयल को डी सॉल्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली सॉल्ट ऑयल में डिजोल्व होगा, गैस में डिजोल्व नहीं होता, इसीलिए। तो अपना ये जो क्रूड ऑयल आ रहा था, ठीक है, उसको आप पहले क्या करोगे, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होती है। उसमें फर्स्ट प्रोसेस है, यू कैन यूज द इमल्शन ब्रेकर। सेकंड इज आप हीट देके भी कर सकते हो, हीटर ट्रीटर, ठीक है, ये दो टेक्निक है, ठीक है, दोनों में। और हीटर ट्रीटर से अच्छा टर्म है, इसमें हीटर ट्रीटर नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रिक शॉकर होगा, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक स्टेटर, ठीक है।
अब देखो ये क्या करेगा, आपका जो क्रूड ऑयल आया ठीक है, आपने यहाँ पे एक फर्नर लगाई है ठीक है, उसका कन्फिग्रे उसका ड्राइंग मुझे याद नहीं बट ऐसे लिख यहाँ पे देखो, इस तरह से आपने एक फर्नर लगाई हुई है। फर्नर को कैसे ड्रॉ करते थे रिफाइनरी डायग्राम में, कुछ मान के चलो यहाँ पे क्या है आपका फर्नर है ठीक है, ये क्या है आपका फर्नर है। तो ये क्या करेगा आपके क्रूड ऑयल को बहुत अच्छा ताप टेम्परेचर दे के क्या करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा ठीक है, हीट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे देखो जो भी सॉल्ट होगा, जो भी सॉल्ट होगा वो किसके साथ है, क्रूड ऑयल के साथ है ठीक है, और इसके साथ थोड़ा बहुत वाटर भी होगा उसके अनुसार ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में हीटर से, हीटर की वजह हीटर की हेल्प से हीट करके देंगे। उसके बाद इसको हम इस तरह से एक टैंक में ले जाएंगे। ये क्या है, एक तरह का सिंपल सा टैंक है, अभी प्रिंसिपल समझने के लिए याद रखो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटी सेपरेशन होगा, क्या होगा ग्रेविटी सेपरेशन। ये बहुत ज़्यादा आपने हीट दी, उससे क्या हुआ, जो आपका डिजोल्व था, जो सॉल्ट आपका डिजोल्व था वो बाहर आने की ट्राई करेगा क्रूड ऑयल से। बिकॉज अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक दिया होगा आपने, और अगर आपका वाटर सफिशिएंट नहीं है तो आप इसमें वाटर डाल दोगे ठीक है। यहाँ पे क्या इंजेक्ट करोगे, यू कैन एंटर द वाटर, और यू कैन एंटर द वाटर फ्रॉम यहाँ से भी एंटर करवा सकते हो ठीक है। सो यहाँ से आप वाटर ऐड करो थोड़ा बहुत, जितना रिक्वायरमेंट है उतना, क्यों ऐड करते हैं वो अभी समझ में आएगा। तो यहाँ से जो स्ट्रीम जा रही है हीटर ये हीटर में, वो क्या होगा, क्रूड ऑयल एज वेल एज द वाटर वो उसको हीट देगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक टैंक लगाया जिसमें ये ग्रेविटी सेटलिंग होने को, ग्रेविटी सेटल होगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे ओनली इमल्शन ऐड करते हैं ठीक है, इमल्शन ब्रेकर को ऐड करते हैं, या फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेटर को, इलेक्ट्रोस्टेटर यूज़ करके वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है, ये दोनों क्यों ऐड करेंगे, कि भाई अपना ऑयल और वाटर इमल्शन ना बना दे, उसी के लिए ये सिंपली असेंबली होता है। बाकी जो काम करता है वो यहाँ हीट देते हैं तब भी हो जाता है। होता क्या है कि क्रूड ऑयल में जो सॉल्ट होता है ठीक है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्ट ज़्यादा किस में सॉल्यूबल होगा, वाटर में। आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपका जो सॉल्ट होगा वो पूरा का पूरा डिजोल्व था जो ऑयल में, वो डिजोल्व अब हो जाएगा वाटर में और ऑयल में से निकल जाएगा। और यहाँ पे आपने ग्रेविटी सेटलिंग कराया ताकि आपका जो सॉल्टी वाटर था ठीक है, ये वाला वाटर होगा आप सॉल्टी, और ये वाला ऑयल ठीक है, जो अब इसको आप प्रोड्यूस कर लो, ये फ्री सॉल्ट है और ये सॉल्टी वाटर को आप यहाँ से प्रोड्यूस कर लो ठीक है। तो ये सिंपल सी फिगर है, होगा क्या, यहाँ से आपने वाटर ऐड किया, यहाँ पे आपका क्रूड ऑयल आ रहा था, यहाँ पे आपने इसको हीट करके टेम्परेचर बढ़ाया तो इसके अंदर जो सॉल्ट था वो बाहर आने की ट्राई करेगा क्योंकि वो ज़्यादा वाटर में सॉल्यूबल होता है। उसके बाद क्या हुआ, जो आपका वाटर का पार्टिकल था वाटर का पार्टिकल था वो सॉल्ट के साथ मिलके ठीक है, सॉल्ट के साथ मिलके क्या करेगा, बड़ा कोलिजन करेगा। कोलिजन होगा तो बड़ा मोलिकुलर फॉर्म होगा, बड़ा मोलिकुलर फॉर्म हुआ उसकी के वजह से आपने सेटलिंग टैंक यूज़ किया, इसको सेटलिंग टैंक भी कहते हैं। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, बड़ा मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ है वो क्या करेगा, सेटल डाउन हो जाएगा। तो सॉल्ट प्लस वाटर सेटल डाउन हो जाएगा और आपका ऑयल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा ठीक है। ठीक है, तो उसी के लिए आपको यहाँ से शॉक भी देना होगा। शॉक क्यों देना है, ताकि इसमें कोई इमल्शन फॉर्म हुआ है ठीक है, मान लो इस तरह से आपका ऑयल है ठीक है, उसमें वाटर और सॉल्ट ठीक है, ये क्या है वाटर प्लस सॉल्ट का इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्म हुआ, और आपने यहाँ से अगर वोल्टेज दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये इमल्शन को ब्रेक कर देगा और इसको क्या करवा देगा, सेटल डाउन करवा देगा। दैट इज द फंक्शन ऑफ द इमल्शन ब्रेकर और इलेक्ट्रिक स्टेटर, जो भी यूज करना है यू कैन यूज। और ये सिंपल सा प्रिंसिपल है, सॉल्ट और वाटर यहाँ से और ऑयल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ये थी प्रोसेस डिसॉल्टिंग की ठीक है। नेक्स्ट एक इक्विपमेंट होता है, आई कैन से स्क्रबर। दो इक्विपमेंट है, एक है स्क्रबर एंड सेकंड वन इज दी नॉकआउट ड्रम ठीक है। क्या होता है नॉक आउट ड्रम, ये क्या करता है, इसके क्या फंक्शन है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये दो एक तरह के इक्विपमेंट है जो यूज होते हैं। सो देखो वेन एवर, अब देखो ये जो स्क्रबर है वो किसके इक्वल है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर के इक्वल ही है ठीक है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर के इक्वल है। दैट मींस
नॉट अ मिस्ड एक्सट्रैक्टर के इक्वल है ऐसा नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे मान को आपके पास ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप गैस को क्या कर दोगे, स्क्रब कर दोगे, ठीक है, लाइट कंपोनेंट होगे जो गैस के उसको स्क्रब कर दोगे, कैसे, मान लो आपके पास ज़्यादा लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड का अमाउंट क्या है आपके पास वेरी हाई है, ठीक है, और मेजोरिटी प्रोडक्ट क्या है आपका, अब लिक्विड है, ठीक है, मेजोरिटी प्रोडक्ट आपका क्या है, लिक्विड है, और उसके अंदर क्या है आपका, गैस का बबल है, ठीक है, गैस का बबल है, सो ये क्या करेगा, ये गैस बबल होगा, ये जो गैस बबल होगा उसको रिमूव करेगा, ठीक है, इसको क्या कर देगा आपसे, आपको रिमूव करके देगा, ठीक है, कहाँ तक रिमूव करेगा, ये गैस को कैसे रिमूव करेगा, तो ये गैस को कंडेंसेट कर देगा, क्या करेगा, ये गैस को कंडेंसेट करेगा, ठीक है, कैसे, जॉन ये कूलिंग इफेक्ट है, ठीक है, ये क्या यूज़ करता है, कूलिंग इफेक्ट यूज़ करता है, ये क्या यूज़ करता है, कूलिंग इफेक्ट, दैट मीन्स कौन सी कूलिंग इफेक्ट, मान लो आप अगर अपने गैस का, ये आप गैस है और आप उस गैस को सडन एक्सपांशन कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सडन एक्सपांशन कम कर रहे हो, या फिर मैं बोलूँ आप अपने गैस को इस तरह से सडन कंप्रेशन कर रहे हो, ठीक है, सडन कंप्रेशन करके, ठीक है, ऐसा कुछ कर रहे हो, तो इसको थ्रोटलिंग प्रोसेस कहते हैं, एंड ऑब्वियसली ड्यूरिंग गैस के सडन एक्सपांशन में ये कूल हो जाएगा, कूल्ड हो जाएगा और लिक्विड के ड्रॉपलेट्स फॉर्म कर देगा, ठीक है, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स के जैसा कुछ फॉर्म होगा, ठीक है, ओके, आपने क्या किया, सडन आप गैस का प्रेशर कम करो, ठीक है, उल्टा इफेक्ट है, ठीक है, जैसे कि मान लो आपने बोतल देखा है, ठीक है, एलपीजी के बोतल से समझते हैं, ठीक है, एक्सपांशन कंप्रेशन से क्या इफेक्ट आता है वो पहले समझ लेते हैं, तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, सो मैं बोलता हूँ आपको, ये बोतल है आपके गैस की, यहाँ पे एक नोजल लगी रहती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमने इसको यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडाइज किया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे जो गैस है वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है, और आपने इसको जैसे ही क्या किया, यहाँ से बाहर छोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से बाहर छोड़ दिया, तो अब ये गैस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, एलपीजी होता है वो आपको पता है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे सडनली लिक्विड को क्या किया, सडन एक्सपांड किया, तो वो गैस बन गया, तो आपने यहाँ पे प्रेशर क्या किया, लेस कर दिया, आपने प्रेशर क्या किया, लेस किया, तो वो क्या हुआ, गैस के फॉर्म में वापस आ गया। सिमिलरली आपका जो स्क्रबर है, सो आपका जो स्क्रबर है वो क्या करने वाला है, आपके गैस को, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे ये थोड़ा रॉन्ग हुआ लगता है मुझे, सो आपका ये प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, जो गैस स्क्रबर है वो क्या करेगा, गैस का जब हम प्रेशर रिड्यूस करेंगे वो गैस कंपोजिशन को कंडेंसेट के फॉर्म में ट्रावे कन्वर्ट कर देगा, और ये कंडेंसेशन फॉर्म से रिमूव हो जाएगी, किसमें से, आपके मेन स्टीम होती है या फिर वेपर होती है, ठीक है, वेपर या स्टीम में से अगर आपका गैस है, जैसे कि मान लो फ्लू गैस है, ओके, जो गैस आपका कुछ काम का नहीं है, उसको आपको मेजर एयर में से रिमूव करना है, तब आप क्या यूज़ करोगे, स्क्रबर यूज़ करोगे, ओके, ये लिक्विड में से नहीं यूज़ होता, ठीक है, वही सोच रहा था मैं, तो आई हैव चेक्ड कि स्क्रबर कब यूज़ होगा, ठीक है, सिंपल सा कंपोनेंट है, मैंने इन्वर्ट कर दिया, मैंने आपको नॉकआउट ड्रम पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, आई होप नॉट अ नॉकआउट ड्रम एग्जैक्टली, नॉकआउट ड्रम भी वो फंक्शन नहीं करता है, तो ऑब्वियसली स्क्रबर क्या करेगा, आपका एक चीज़ याद रखो, जो भी मेजर प्रोडक्ट है उसमें से आपका फ्लू गैसेस अगर आपको रिमूव करने हैं, जो पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे कि सल्फर है ऐसा कुछ, तो ये ऐसे गैसेस को स्क्रब आउट कर देगा, इतना याद रखो, इतना वेल सफिशिएंट है, और ये क्या करेगा, प्रेशर को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली कंडेंसेट हो जाएगा, जो अपना गैस था, गैस के बबल थे, वो कंडेंसेट हो जाएंगे और इजीली रिमूव कर सकते हो आप कंडेंसेट को गैस की स्टीम में से या एयर में से, ठीक है, एयर में से आपको ऐसा कोई गैस निकालना है तब स्क्रबर यूज़ होगा, ठीक है, सो सिंपल सा कंपोनेंट है। उसके बाद नॉकआउट ड्रम की बात करूँ, ठीक है, नॉकआउट ड्रम का फंक्शन होता है जब आपका गैस कंटिन्यूअस फेज में है, दैट मीन्स मेजोरिटी कंपोनेंट आपके गैस की है, ठीक है, और उसमें से आपको हाई अमाउंट ऑफ द लिक्विड या
हाई अमाउंट ऑफ द लिक्विड रिमूव करना है, ठीक है। तो ये होता है मिस्ट एक्सट्रैक्टर की तरह, ये होता है मिस्ट एक्सट्रैक्टर की तरह, बट मिस्ट एक्सट्रैक्टर और इसमें डिफरेंट कितना है, मिस्ट एक्सट्रैक्टर ओनली लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को रिमूव कर सकता है, जबकि जो नॉकआउट ड्रम है वो आपका हाई लिक्विड रिमूव कर सकता है। डेट मीन्स लिक्विड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तब ये यूज़ करेंगे, ना कि लिक्विड के ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो नॉकआउट ड्रम में अगेन वही होता है, आपका मोमेंटम चेंज होगा और मोमेंटम चेंज के बाद वहाँ पे मिस्ट एक्सट्रैक्टर लगा होगा जो ड्रॉपलेट्स को गैस में से रिमूव कर रहा होगा और बाकी का लिक्विड सेटल डाउन हो रहा होगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट है डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग के, वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन की, ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन जो है इसमें, ठीक है। सो उससे पहले देखो, अब हम बात कर लेते हैं इसके पहले गैस की प्रोसेसिंग की, ठीक है। गैस प्रोसेसिंग में क्या क्या हम देखना चाहते हैं, तो गैस प्रोसेसिंग में फर्स्ट प्रोसेस होती थी वो होती थी अपनी कंडेंसेट को रिमूव करना, ठीक है। वो किसको रिमूव करना, कंडेंसेट को रिमूव करना। मान लो आपका जो गैस है, आपका जो गैस है उसमें क्या है, कंडेंसेट आ चुके हैं, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे। सो इसके लिए एक बहुत ही फेमस इफेक्ट है, ओके। उसमें क्या होगा, आपका जो गैस होगा वहाँ पे आप जॉल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, जॉल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट। जॉन थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट कुछ ऐसा बोल रहा है कि मान लो इतना फ्लो एरिया आपका ओपन है, ठीक है, और आप उसमें क्या चेंजेस करो, आप उसमें फ्लो एरिया कम कर दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे प्रेशर होगा 500 PSI, फिर आपने फ्लो एरिया कम कर दिया, ठीक है। तो आपने क्या करवाया, इसको आपने यहाँ का प्रेशर कर दिया मान लो 70 PSI, तो अब ये यहाँ पे प्रेशर कम हुआ तो यहाँ पे जो लॉस्ट होगा, ठीक है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ से जो फ्लो हो रहा होगा वो क्या करके देगा, आपका फ्लो यहाँ पे गैस प्लस कंडेंसेट था, ठीक है, यहाँ पे गैस प्लस कंडेंसेट था, ओके। यहाँ पे आपका गैस का कंडेंसेट था, वहाँ पे आपने जॉल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट या थ्रॉटलिंग इफेक्ट अप्लाई करके इसका प्रेशर क्या किया, ड्रॉप करवा दिया, ठीक है। इसका प्रेशर आपने क्या करवाया, ड्रॉप करवाया, ठीक है। इसका प्रेशर आपने किसी भी तरह से क्या किया, ड्रॉप किया। सो अब क्या होगा, यहाँ पे आपका गैस कंडेंसेशन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया, गैस कंडेंसेशन को रिमूव किया बाय यूजिंग दी जूल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। जो आपका गैस होगा वो क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर कम किया तो ऑब्वियसली लिक्विड में जाने की ट्राई करना चाहिए, ओके। प्रेशर आपने प्रेशर कम किया है तो ऑब्वियसली आपका जो कंडेंसेशन होगा दैट विल रिमूव, ओके। आइदर वो क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि आपने प्रेशर को रिमूव किया है, ठीक है। तो ऐसे हम प्रेशर रिड्यूस करके उसको क्या कर सकते हैं, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात की जाए, ठीक है, छोटी छोटी इफेक्ट है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस की बात की जाए तो वो था अपना डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन की बात करूँ तो वाटर रिमूव करना है, ठीक है, कंडेंसेट नहीं है, वाटर को रिमूव करना है। तो व्हाट यू विल यूज़, सो यू विल यूज़ दो प्रोसेस होती है, एक होता है एड्सॉर्प्शन, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एड्सॉर्प्शन का मीनिंग क्या है, आप इसमें एक सॉलिड डिसिकेंट लगाओगे, मान लो ये एक बेड है, ठीक है, और आपने इसमें से अपने गैस को पसार किया, ठीक है, तो वाटर होगा वो यहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये दोनों टर्म आपको पता होने चाहिए, ओके। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक सरफेस फिनोमिना है तो दूसरा पूरा का पूरा अपने आप में खींच लेगा लिक्विड को, ठीक है। तो ये सिंपल सा कौन सी प्रोसेस यूज होती है, एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन। वैसे ही इसमें बात करूं डी स्वीटनिंग प्रोसेस की तो उसमें भी सेम प्रिंसिपल अपनाया होगा। कौन सी स्वीटनिंग की बात करूं तो उसमें भी यही प्रिंसिपल अपनाया होगा, सल्फर रिमूव करते हैं ऑब्वियसली, और इसमें डिहाइड्रेशन में वाटर रिमूव करते हैं, दोनों में एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन प्रोसेस यूज होती है। और एक चीज़ बता दूँ, कंपोनेंट कौन से हो गए, तो डिहाइड्रेशन के लिए बेस्ट कंपोनेंट होता है ग्लाइकोल, ठीक है, कोई भी टाइप का ग्लाइकोल यू कैन यूज़। तो आपका ये एब्जॉर्प्शन मटेरियल होगा वो क्या करेगा, उसको वाटर के साथ
एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट होते हैं वो लिख लो, सिलिका जेल, ठीक है। प्रोसेस का फ्लो डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को आपको पता चल सकता है, गैस को पसार करोगे वहाँ पे बेड होगा, वो क्या कर लेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। और कौन कौन से मटेरियल होते हैं, बॉक्साइड की ओर, या फिर सिलिका जेल, या फिर ग्लाइकोल, या फिर एक्टिव एल्यूमिना, ठीक है। एक्टिव एल्यूमिना ये कंपोनेंट यू कैन यूज़ फॉर डिहाइड्रेटिंग, ठीक है। तो ये कंपोनेंट याद रखना क्योंकि HSC में काम आएंगे। और यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वहाँ पे एमाइन का कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, एमाइन ग्रुप यूज होता है, ठीक है, एमाइन या फिर एमाइन प्रोसेस, या फिर उसमें भी डाईथाइल एमाइन। यहाँ पे डाईथाइल एमाइन सबसे ज़्यादा इफिशियंट होता है, यहाँ पे टेट्राग्लाइकोल सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, ट्राइथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है, TEG ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यहाँ पे डाईथाइल एमाइन, ठीक है, डाईथाइल एमाइन, और यहाँ पे ट्राइथाइल ग्लाइकोल, ठीक है, ट्राइथाइल ग्लाइकोल, ये दोनों ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। सो ये थी दोनों प्रोसेस, ठीक है। कैसे रिमूव करते हैं, तो कि एड्सॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन यूज़ करके, एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है, एब्जॉर्प्शन में पूरा वो वाटर को अपने इनसाइड जैसे स्पंज होता है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है, जबकि आपका वुड होता है वो एड्सॉर्ब करता है, ठीक है, अपने इनसाइड वाटर नहीं जाने देता, तो वो तो आप समझ सकते हो। सो ये थी प्रोसेस। गैस प्रोसेसिंग में और कुछ है नहीं, ये 3-4 प्रोसेस थी, उसमें हमारे काम का मैंने आपको बता दिया। पूरी प्रोसेस पढ़नी है तो यू हैव आर नोटबुक, ठीक है, उसमें भी आप काम का तो इतना ही लिखोगे मुझे पता है, बट पढ़ना है तो फिर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। नॉकआउट ड्रम क्या होता है, नॉकआउट ड्रम जब लिक्विड का कंटेंट ज़्यादा होता है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो क्या करेगा, गैस में से लिक्विड को रिमूव करेगा। मिस्ट एक्सट्रैक्टर क्या होता है, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स को, यानी कि कम क्वांटिटी है लिक्विड की तब उसमें से वो ड्रॉपलेट्स को रिमूव करेगा। स्क्रबर क्या करेगा, एयर या ऐसी कोई स्टीम है, ठीक है, स्टीम है या एयर है, उसमें आपका फ्लू गैसेस और ऐसा कोई गैसेस है तो वो क्या करेगा, सडन रिडक्शन इन प्रेशर, व्हाट विल डू, सडन रिडक्शन इन प्रेशर कूल दी नेचुरल गैस, एंड जो सडन रिडक्शन किया होगा, ठीक है, इन्वर्स इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, आपका गैस क्या हो जाएगा, कंडेंसेट के फॉर्म में आ जाएगा, वो कंडेंसेट के फॉर्म में आके यू कैन इजीली रिमूव दैट कंडेंसेट, ओके, ग्रेविटी की हेल्प से, ठीक है, ठीक है। जूल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, कि व्हेन यू सडन डिक्रीज प्रेशर ऑफ द नेचुरल गैस, तो अगर आप प्रेशर कम करते हो, ठीक है, आप प्रेशर कम करते हो तो क्या होना चाहिए, आपका गैस ज़्यादा बनना चाहिए, बट व्हेन यू सडनली आप अगर गैस का प्रेशर रिलीज कराओ, सडनली आप अगर अपने गैस का प्रेशर रिलीज कराओ सो क्या होगा, आप सडनली अपने गैस का प्रेशर रिलीज कराओ सो ऑब्वियसली वहाँ पे उल्टा इफेक्ट आएगा, आपका जो गैस है वो कूल्ड होने लगेगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जोल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, प्रेशर चेंज करने से, प्रेशर कम होने से गैस में कन्वर्ट होता है लिक्विड, बट ये उल्टा इफेक्ट है, जोल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट, जहाँ पे आपने सडनली क्या किया, मैं एग्जांपल दूँ, आप अपने फुवारा है, ठीक है, अपना जो शावर है उसके नीचे खड़े हो, आप जैसे ही शावर को स्टार्ट करोगे तो वो सडन एक्सपांशन हो रहा होगा, ठीक है, वो क्या हो रहा होगा, सडन एक्सपांशन हो रहा होगा, यानी कि वो जितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा वहाँ से छोटे छोटे हमने क्या किया, उसको एक्सपांड कर दिया, ठीक है, छोटे छोटे होल से उसको बाद में एक्सपांड किया, तो वो आपको ठंडा देगा वाटर विथ रिस्पेक्ट टू जो नल में वाटर आ रहा है उसको आप अपने सर पे डालो, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ये क्या है, सडन रिडक्शन इन प्रेशर कूल डाउन दी नेचुरल गैसेस, और उसे जोल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। और ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है कहाँ पे, आपने नेचुरल गैस में कास्केट देखे होंगे, आपने कास्केट जहाँ पे आप CNG पे जाओगे तो वहाँ पे कास्केट होगे, उसमें गैस कैसे फील होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या किया होगा, नेचुरल गैस आ रहा है उसको सडन एक्सपांड करवाया होगा और प्रेशराइज करके उसमें स्टोर कर दिया, ठीक है, क्या किया, सडन एक्सपांशन करवाया आपने नेचुरल गैस का, उसको फिल करते समय तो वो लिक्विड बन गया, उससे उसमें स्टोर हो गया, और उसके बाद आपने उसको प्रेशराइज कर दिया ताकि वो लिक्विड फेज में बना रहे, ठीक है। इसी इफेक्ट को कहते हैं जोल थॉम्सन कूलिंग इफेक्ट, वो आप स्क्रबर में यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको आपकी एयर है, ठीक है, आपकी एयर है उसमें आपका गैस के गैस नेचुरल गैस का कंपोनेंट अवेलेबल है, नेचुरल गैस का कंपोनेंट अवेलेबल है, सो ऑब्वियसली आपने क्या किया, इसको सडन एक्सपांशन किया, इसका सडन एक्सपांशन करवाया, ओके, दैट मींस आपने प्रेशर रिड्यूस किया, सडन एक्सपांशन करवाया, ठीक है, दैट मींस आपने उसका प्रेशर रिलीज कर दिया, एक्सपांड किया, ठीक है, एक्सपांड करना मीन्स वॉल्यूम का इंक्रीमेशन जैसा होता है, तो प्रेशर रिलीज किया, तो नेचुरल गैस
ज़्यादा गैस बनने की बजाय जूल थॉम्सन कूलिंग के इफेक्ट से कूल हो गया और कंडेंसेट के फॉर्म में आ गया, और कंडेंसेट को गैस में से ग्रेविटी के हेल्प से आप रिमूव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ऐसे इफेक्ट से आपने उसमें से जो हमारा नकाम का काम का नहीं था वो गैस आपने उसमें से रिमूव कर दिया। ठीक है, अब आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, सो दिस आर दी ऑल इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस। अब मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, सो लेट स्टार्ट विथ द कैलकुलेशन। ठीक है, एक दो फॉर्मूला है जो मैंने बुक से निकाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ एंड सिम टू सिम लेंथ का रिलेशनशिप, और कैसे इसको फाइंड करते हैं। इफेक्टिव लेंथ को मैं बोल रहा हूँ एल इफेक्टिव, और सिम टू सिम लेंथ को मैं बोल रहा हूँ एस। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। तो जो एल इफेक्टिव है, ठीक है, ये इफेक्टिव है तो ऑब्वियसली छोटी होगी, यस। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसा अपना सेपरेटर है, ठीक है, और ये वाली जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये मेरा एस है। ठीक है, ये सिम टू सिम लेंथ है, टोटल लेंथ भी बोल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और हम जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, हम जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, हम जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या हम ये वाली काउंट करेंगे? नहीं, हम जो वॉल्यूम कैलकुलेशन करेंगे उसमें एल इफेक्टिव काउंट करेंगे। ठीक है, एल इफेक्टिव कम होगा। सो फर्स्ट रिलेशनशिप लिख लो आप, फर्स्ट रिलेशनशिप यू कैन यूज इज दैट एल इफेक्टिव होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4s। ठीक है, 75% ओके 3/4s। ठीक है, एक चीज याद रखो, एल इफेक्टिव छोटा होगा, ऑब्वियसली इफेक्टिव है तो छोटा ही होगा। सेकंड चीज मैं अगर आपसे बोलूं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम ऑफ द सेपरेटर, ठीक है, वॉल्यूम कितना होना चाहिए ऑफ द लिक्विड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सेपरेटर ऑफ लिक्विड कितना होना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, अभी इसको मैं हटा रहा हूं। तो मान के चलो, ये मैं मान के चल रहा हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन जहाँ पे इसको मुझे आगे भी बेचना है और ये नेचुरल गैस को यहाँ से लेना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ ये अगर 50% गैस है तो ये 50% लिक्विड, यानी कि मैं बोल रहा हूँ ऑयल प्लस वाटर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? ऑयल प्लस वाटर। तो ये गैस है वो मान रहा हूँ 50% में है, ऑयल प्लस वाटर है उसको मान रहा हूँ 50% में है। ठीक है, अब गैस कंप्रेसिबल होता है तो हम गैस के वॉल्यूम यूज करके ये एस या एल को नहीं फाइंड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, वो तो वेसल का वॉल्यूम इस्टेब्लिश कर लेगा। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ये लिक्विड का वॉल्यूम। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ द सेपरेटर लिक्विड, दैट मीन्स क्यू एल विच इज़ नथिंग बट क्यू ओ प्लस क्यू डब्ल्यू, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, वी लिख देता हूँ, फ्लोरेट नहीं, वॉल्यूम है। ओके, तो ये कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं मान के चल रहा हूँ एक्स परसेंट, मैंने अभी कितना लिया था 50%, ठीक है, ये स्टैंडर्डाइज कंडीशन में आपकी बुक में 50% दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे एक्स परसेंट लिख रहा हूँ, देन आई विल सब्सटीट्यूट एक्स एज अ 50%। तो हमारा कितना वॉल्यूम होगा? सो एक्स परसेंट ऑफ दी इतना, ठीक है, एल इफेक्टिव जो हमें इफेक्टिव मिल रही है। ठीक है, एल इफेक्टिव क्या है? एक तरह की इफिशियंसी है। मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि जो वॉल्यूम डिलीवर होगा वो एल इफेक्टिव लेंथ को कंसीडर करके हम लेते हैं, एस टोटल लेंथ है। आपको पता है इसमें बहुत सारे और इक्विपमेंट हो गए, बफल प्लेट और, ठीक है, तो उस हिसाब से हमने इफेक्टिव लेंथ को निकाला है विथ रिस्पेक्ट टू सिम लेंथ। तो यहाँ पे एल इफेक्टिव होगा। एक चीज़ ध्यान यहाँ पे रखना, ये जो यूनिट में है वही यहाँ पे यूनिट होना चाहिए, और यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम लेना है तभी आपको आंसर सही मिलेगा। अब एज पर दी बुक, ठीक है, यहाँ पे जो एक्स परसेंट है वो मैंने अभी कितना मान लिया 50%, नहीं घी अगर गेट में पूछ रहा है तो वो आपको एक्स परसेंट की वैल्यू देगा। ऑब्वियसली यहाँ पे जितना एक्स परसेंट, मान लो ये 60-40 है तो आप एक्स क्या लोगे? 0.6, ठीक है, तब 50 नहीं लोगे। ठीक है, तो वो अगर दे रहा है तो उस हिसाब से चलो, ऑब्वियसली देगा, नहीं देगा तो यू कैन यू हैव टू यूज़ दी 50%। ठीक है, आपको 50% यूज़ कर लेना है। तो होगा यहाँ पे 0.50 इंटू 5/4 डी स्क्वायर इंटू एल इफेक्टिव। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, गैस का वॉल्यूम नहीं लेना है, लिक्विड कौन सा? ऑयल और वाटर का। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, और उसके बाद मैं बोलूँ कितना फ्लोरेट होगा। ठीक है, फ्लोरेट होगा लिक्विड का, दैट इज इक्वल टू वॉट?
दैट इज इक्वल टू वी टोटल लिक्विड का है, और उसके बाद जो टाइम रिटेंशन के लिए मिल रहा है वो टाइम, ठीक है, क्या हो जाएगा टाइम फॉर द रिटेंशन। ओके, तो ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है दैट वी हैव कवर्ड। ओके, ओके, तो यहाँ से आपका वॉल्यूम दिया है, ठीक है, आपको वॉल्यूम दिया है, तो यू कैन फाउंड आउट द एल इफेक्टिव एज वेल एज द एस। सो दिस इज इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन जो मुझे लगता था मैंने आपको करवाया। इसके अलावा मुझे एक भी फॉर्मूला इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं लगा है, ठीक है। यू कैन फॉलो द एनी बुक, हमारी जो कैलकुलेशन की बुक है वो आप फॉलो करो, और गेट का क्वेश्चन सॉल्व करो, वो तो बहुत ही सिंपल था, वो इस पर बेस नहीं था, ठीक है। वहाँ पे आपको क्या निकालना था, डेल एच इज इक्वल टू एच नॉट वन माइनस रो नॉट अपन रो डब्ल्यू, ऐसा फॉर्मूला मैं नहीं रटवाऊंगा, यू हैव टू सॉल्व द गेस्ट क्वेश्चन बाय योर ओन, ठीक है। तो आपके लिए आज का होमवर्क हो गया, गेट का क्वेश्चन 2016 में या 17 में जो आया है, ठीक है, इस तरह से फिगर दे के आया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे आपको रो एच नॉट दिया है, ये वाला एच डब्ल्यू दिया है, वाटर की हाइट दी है, यहाँ पे बोल दिया है कि ऑयल है, और यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे एयर है, कुछ है नहीं, ठीक है, कुछ है नहीं, दैट मीन्स यहाँ की डेंसिटी जीरो है, ऐसा कुछ। तो ये एच डैश कितना होगा वो आपको निकालने को बोला है। आप क्या करोगे, यहाँ पे जो प्रेशर है वही प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए सेपरेटर में, क्योंकि ये एक लाइन पे है, तो ए का प्रेशर और बी का प्रेशर आप इक्वल कर दोगे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे रो ऑफ दी ऑयल यूज़ करोगे, रो ऑफ दी वाटर यूज़ करोगे, और यहाँ पे भी वाटर है तो रो ऑफ दी वाटर यूज़ करोगे, तो यू कैन फाइंड आउट दी एच डैश, ठीक है। ये क्वेश्चन था, यू कैन सॉल्व बाय योर ओन, ठीक है। इसके अलावा इसमें पार्टिकल, मान लो आपका जो पार्टिकल है, ठीक है, मैं ऑयल को एक पार्टिकल बोल रहा हूँ, वो ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बोल सकता है कि ये स्टोक लॉ फॉलो कर रहा है, तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकालो। सो हम जब भी टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे तो वहाँ पे आप स्टोक लॉ समझोगे, उसके बाद यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। वो बोल रहा है कि यहाँ का एक डायामीटर दे देगा पार्टिकल का, ठीक है, एक डायामीटर का पार्टिकल है, वो सेटल डाउन हो रहा है, ठीक है, ऑयल का, तो यहाँ पे स्टोक लॉ आप मान लो स्टोक लॉ एप्लीकेबल है, और उसके बेस पे टर्मिनल वेलोसिटी या इसका डायामीटर जो भी पूछे, तो हम स्टोक लॉ पढ़ेंगे, वो आप अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे यस कर सकते हो, ठीक है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये थी हमारी, ये क्या था अपना सेपरेशन, ठीक है, हमने पूरा का पूरा प्रोसेसिंग ओवरव्यू लिया, ठीक है। और देखो आप उतना ज़्यादा इसमें डीप में मत जाओ, ठीक है, वाई, बिकॉज हमारे लिए बस इन्फॉर्मेटिव सब्जेक्ट के तौर पे ये टॉपिक को कवर करना है, इसमें से उतना कॉम्प्लिकेटेड आता है तो आई होप वो कौन सी बुक से निकालते हैं या खुद से बना के लाते हैं वो आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी पता नहीं चलेगा। सो ये पोर्शन था मेरा ऑन दिस सेशन, ओके। सो हम अब स्टार्ट करते हैं स्टोरेज टैंक, ठीक है, स्टोरेज टैंक की बात करते हैं, और मैं आपको स्टोरेज टैंक में एक बात बोल दूँ, आई विल टॉक ओनली अबाउट द क्रूड ऑयल स्टोरेज टैंक, ओके। क्रूड ऑयल के स्टोरेज टैंक की ही मैं यहाँ पे बात करूँगा, किसकी बात नहीं करूँगा, सीएनजी होता है वो कास्केट में स्टोर होता है, ये फिर एलएनजी होता है उसके लिए डिफरेंट टाइप के स्टोरेज टैंक होते हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस ऑल स्टफ, वाई, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि एज अ पेट्रोलियम इंजीनियर हमें इसमें उतना ज़्यादा जाना चाहिए, ठीक है, फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन थ्री टाइप के जो होते हैं, ठीक है, थ्री टाइप जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो थ्री टाइप और थोड़ा बहुत उसकी डिज़ाइन के बारे में आई विल टॉक टूडे, ओके। जो जीजीएस स्टेशन पे आपका जो गैदरिंग स्टेशन है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे जहाँ पे आपका इंडिया में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं उसके बारे में आई विल टॉक टू ऑल, ठीक है। सो स्टोरेज टैंक में हम बात करेंगे किसकी, थ्री टाइप के स्टोरेज टैंक की, उसके पहले थोड़ा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, और उसके क्या कंपोनेंट हो गए, और उसका थोड़ा बहुत डिज़ाइन देख लेंगे कब कैसा हमें बनाना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, ओके, लेट्स स्टार्ट विथ दिस स्टोरेज टैंक। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक फॉर द क्लासिफिकेशन, ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम बेस्ड ऑन द फ्लैश पॉइंट, ओके, यू नो व्हाट इज फ्लैश पॉइंट, सो बेस्ड ऑन द फ्लैश पॉइंट देर आर थ्री क्लास, ओके, क्लास वन हाइड्रोकार्बन कैन बी डिस्टिंग्विश इन थ्री डिफरेंट क्लासेस, थ्री क्लास वन टू एंड थ्री। द फर्स्ट क्लास इंडिकेटिंग द फ्लैश पॉइंट इज बिलो 120 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड क्लास इंडिकेटिंग दिस रेंज फॉर द फ्लैश पॉइंट, एंड थर्ड क्लास इंडिकेटिंग ग्रेटर देन, ठीक है, ये क्या लिखा है, फ्लैश पॉइंट, यू कैन अंडरस्टैंड
कि जब हमारा फ्लैश पॉइंट जिस वैल्यू के हिसाब से होगा उस हिसाब से हमने केवल क्लास को डिफाइन किया, बेस्ड ऑन दिस वी यूज द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरेज टैंक। सो फर्स्ट मैं आपको बात बताऊँ स्टोरेज टैंक की, तो वो है फिक्स्ड रूप, ठीक है, फिक्स्ड रूप स्टोरेज टैंक, ठीक है। सो फिक्स्ड रूप स्टोरेज टैंक में क्या होगा, जो भी आपका स्टोरेज टैंक है, ठीक है, उसका जो रूप होगा ऊपर से, ठीक है, ये वाला जो रूप है यानी कि जो ढक्कन है आपका, वो क्या होगा, फिक्स होगा, वो मूव नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स आपका घर में जो डब्बा होता है वैसा स्टोरेज है, ठीक है, और ये इसमें बिल्ड किया होगा बीम और कॉलम से, ये सपोर्टेड होगा एज वेल एज दी, ये क्या है, सेल है, ठीक है, ये क्या है, सेल है, और यहाँ पे एक वाल रहेगा वेंट के लिए, यहाँ पे एक वाल रहेगा वेंट के लिए, और ये क्या है, फिक्स्ड रूप है, ऐसा है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम थिंक करें, ठीक है, तो अब ये तो नहीं हिल पाएगा। अब मान लो यहाँ पे जो क्रूड है वो कैसा है, उसमें हाई वॉलेटाइल कंपोनेंट है, क्या है, हाई वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, और जैसे ही आपका ये टैंक का प्रेशर कम होगा तो वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या करेंगे, आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या करेंगे, यहाँ पे रिलीज होगे, ठीक है, यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, ओके। और एक चीज बता दूं, आप जब भी, ठीक है, ये वाला फिक्स रूप है, दैट मीन्स जब भी आपका लिक्विड प्रोड्यूस होगा, प्रेशर कम होगा, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होंगे, आपके लिक्विड में से सेपरेट होके यहाँ पे सेटल डाउन होने की ट्राई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे होगा आपका लिक्विड और यहाँ पे होगा आपका गैस, ठीक है, और अब ये फिक्स्ड रूप है, आपका रूप तो हिल नहीं सकता, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो आपका फिक्स है जो टैंक का रूप है। दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पे जितना ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा वेपर फॉर्म होगा उतना हमारे लिए तो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हमें तो लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना है और गैस को स्टोर करना उतना इजी नहीं रहता, ठीक है। गैस स्टोर हो रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बाहर का प्रेशर था, अंदर का प्रेशर आपका कम हो रहा है, अंदर का प्रेशर कम हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कोलैप्स करने के चांसेस भी बन सकते हैं, ठीक है, कोलैप्स करने के चांसेस भी बन सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हो सके उतना कम वेपर, गैस नहीं बोलूँगा वेपर बोलूँगा, यहाँ पे वेपर हो सके उतनी कम फॉर्म हो, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, ऑब्वियसली ये वाला टैंक कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे फ्लैश पॉइंट की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो, दैट मीन्स क्लास थ्री में, ठीक है, कहाँ पे यूज़ होगा, क्लास थ्री में, क्यों, क्योंकि फ्लैश पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है कि, या फिर मैं बोलूँ जिसका वेपर प्रेशर, ठीक है, ये जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर क्या हो, वेरी लो हो, ठीक है, वेपर प्रेशर वेरी लो हो, इसका मीनिंग ऐसा होता है कि आपका जो वेपर फॉर्म हो रहा है उसका अमाउंट क्या हो, वेपर की वजह से जो लिक्विड पे प्रेशर आ रहा है वो कम है, उसका मीनिंग आपका वेपर बनने का अमाउंट, वेपर का जो अमाउंट जो फॉर्म हो सकता है वो कम हो, क्यों, क्योंकि ये फिक्स रूप है, ये तो कोई हेल्प नहीं करेगा ये वाले लिक्विड को, ठीक है, तो ये फिक्स रूप है तो ऑब्वियसली आप कहाँ पे यूज़ करो, जिसका फ्लैश पॉइंट क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, ताकि ये इजीली वेपर जो फॉर्म हो रही है, ठीक है, वो फॉर्म ना हो, ठीक है, वेपर जो फॉर्म हो रही है वो इजीली फॉर्म ना हो, यानी कि वेपर का अमाउंट कम हो, वेपर का अमाउंट कम होगा तो ऑब्वियसली आपका वेपर प्रेशर लो होगा, ठीक है। इसके सामने दूसरा टाइप है, वो है फ्लोटिंग रूप, ठीक है, क्या है आपका, फ्लोटिंग रूप टैंक है, ठीक है, मान के चलो फ्लोटिंग रूप टैंक है, इसमें क्या डिफरेंस होगा, आपका जो ये टैंक है और ये वाला जो ढक्कन है, इसका जो रूप है ये, इसकी ग्रेविटी है कुछ, तो ये क्या कर सकता है, फ्लोट कर सकता है। डेट मीन्स आपका ढक्कन इनिशियली यहाँ था, उसके बाद आप अपने ढक्कन को यहाँ पे ला सकते हो, ठीक है, आप इसको थोड़ा नीचे की ओर ले जा सकते हो, तो अब जो ढक्कन है वो फिक्स नहीं है, वो फ्लोटिंग है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बेनिफिट्स होगा, मान के चलो आपने थोड़ा बहुत लिक्विड इसमें से निकाला, ठीक है, इसमें से आपने लिक्विड को निकाला, तो अब अगर आपका ढक्कन यहाँ पे है तो ये कोई इस पर प्रेशर नहीं डाल रहा है, दैट मीन्स आपका गैस थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे लिब्रेट हो सकता है, ठीक है, अगर ये फिक्स होता तो, जैसा हमने ऊपर वाला केस देखा, बट यहाँ पे अब ढक्कन कैसा है, फ्लोटिंग है, तो आपका ढक्कन यहाँ पे आ जाएगा, दैट मीन्स अब जो यहाँ पे वेपर फॉर्म होगी, ठीक है, वो कम फॉर्म होगी, ठीक है, अब जो यहाँ पे वेपर फॉर्म होगी वो कम फॉर्म होगी, ठीक है, तो आपने इसमें क्या किया, ढक्कन का एडजस्टमेंट करते हुए वेपर को फॉर्म होने नहीं दिया, ताकि आपका लिक्विड लिक्विड फेज में बना रहे, तो ऑब्वियसली ये कब सूटेबल होगा, जब आपका बहुत जल्दी वेपर फॉर्म हो रहा हो, या फिर मैं बोलूं
ओके यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बैक प्रेशर जनरेट करवा रहा है, ठीक है, क्या करवा रहा है, बैक प्रेशर जनरेट करवा रहा है। सो ऑब्वियसली ओके तो ये कब यूजेबल है, जब ज़्यादा वेपर प्रेशर हो, ठीक है, जब आपका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो, दैट मीन जो अमाउंट फॉर्म हो रही है किसकी, वेपर की, आपका वेपर का जो अमाउंट फॉर्म हो रहा है वो वेरी हाई हो, दैट मीन्स हाई वोलेटाइल क्रूड ऑयल जैसा हो, तब जब अमाउंट ज़्यादा फॉर्म हो रही हो, दैट मीन्स फ्लैश पॉइंट आपका वेरी लो हो, ऐसा कब होता है, क्लास वन में। तो ये वाले केसेस में आप क्या यूज़ करोगे, ऑब्वियसली फ्लोटिंग ग्रुप, इसका यूज़ करने से क्या होगा, जो हाई वेपर फॉर्म हो रही थी वहाँ पे आपका ढक्कन डाउन कर दिया, तो आपने उसको ज़्यादा फॉर्म होने नहीं दिया, आपने बैक प्रेशर लगाया यहाँ से ढक्कन से, तो आपका वेपर कम फॉर्म होगा। तो ये वाले केसेस में कौन सा सूटेबल रहेगा, फ्लोटिंग वाला। थर्ड वन है, थर्ड और लास्ट वन है, दैट इज दी कॉन बॉटम टैंक, ठीक है, कॉन बॉटम कैसा है, कॉन जैसा है ऐसा टैंक, ठीक है। तो इससे क्या बेनिफिट्स होगा, इट कैन बी आइदर फ्लोटिंग रूप और फिक्स रूप एनीथिंग, बट ये बॉटम से कैसा है, ये बॉटम से कुछ इस तरह से कॉन शेप का है, ठीक है, ये कॉन शेप का है, तो ये जूम करके ड्रॉ किया ऐसा मान लो। तो ये कब सूटेबल है, तो फर्स्ट चीज जब हाई वाटर कंटेंट हो आपके क्रूड में, ठीक है, हाई वाटर कंटेंट हो तो ये क्या करेगा, या फिर मैं बोलूँ हाई सैंड हो, ठीक है, सैंड ज़्यादा है, सो आपने ऐसा शेप बनाया तो ये सैंड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा होगा, वो सरक के इजीली क्या होगा, क्लीन हो जाएगा, ठीक है, एक तो क्लीनिंग करना इजी हो जाएगा, दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर टैंक में यहाँ पे क्ले या सॉरी क्ले कहाँ सैंड है, तो यहाँ पे सेटल होता उसको रिमूव करना हार्ड होता, बट यहाँ पे इजीली क्लीन हो जाएगा, आपका हाई सैंड कंटेंट होगा, तब आप बॉटम को क्या करो, कौन जैसा बना लो, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे एक सेपरेटर जिसको वर्टेक्स सेपरेटर बोलते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो टू रिमूव दी, तो वर्टेक्स सेपरेटर होगा वो क्या करेगा, सो वर्टेक्स कैसा होता है आपको पता है, हेलिकल शेप का होता है, वो क्या करेगा, आपका ऑयल डिस्प्लेस नहीं होगा वाटर के साथ, ठीक है, आप क्या करो, एक तो यहाँ पे वाटर सेटल हुआ होगा, जब उसको रिमूव कर रहे होगे तब आपने अगर यहाँ पे वर्टेक्स सेपरेटर लगाया हुआ है, तो सेपरेटर है वो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जब ये यहाँ से निकलेगा तब तो ऑयल होगा वो वाटर के साथ मूव नहीं होगा, ऑयल ऊपर फेंका जाएगा और वाटर को आप पहले प्रोड्यूस कर लो, वाटर निकल जाए पूरा, उसके बाद आप ऑयल को निकालो स्टोरेज में से, जब भी आपको आगे सप्लाई पहुंचाना है तब, ठीक है। तो ये बेसिक से तीन टाइप थे, ठीक है, ये बेसिक से तीन टाइप थे जिसको हमने अंडरस्टैंड किया, ओके। इसके अलावा ये टैंक की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, तो ये टैंक की थोड़ी कम बात करें तो मैं बोलूँ इसमें वेंट वाल होते हैं, उसका काम क्या है, ठीक है, मैंने आपको बोला यहाँ पे, चलो थोड़ा अच्छा फिगर ड्रॉ करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये कुछ इस तरह से है, और ये मान के चलो यहाँ पे मैंने बोला एक वेंट वाल है, यहाँ पे क्या है, एक वेंट वाल है, ठीक है, तो ये वेंट इन होगा या वेंट आउट होगा, दैट मीन्स आप इसमें से गैस को डाल भी सकते हो और निकाल भी सकते हो, यहाँ पे वाल है, ठीक है, एक वाल है, ठीक है, ये क्या है, वाल है, ऐसा मान के चलो ये क्या है, एक वाल है, और यहाँ से आप ड्रेन कर सको वैसा कुछ असेंबली है, ठीक है। सो देखो आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फिलिंग के लिए लाइन होगी, ठीक है, आप इससे क्या करो, फिल करो, और ये क्या है आपकी ड्रेन करने की लाइन है, ठीक है, दैट मीन्स आप क्या करो, आउटले आप क्या करो, ये ड्रेन करने की लाइन है, या फिर मैं ड्रेन नहीं बोलता इसको, ड्रेन तो हम बॉटम से ही करेंगे ऑब्वियसली, ये क्या है अपनी ड्रेन लाइन है, ये क्या है अपना, ये है अपना ओवरफ्लो आउटलेट, ठीक है, ये क्या है अपना ओवरफ्लो आउटलेट, ठीक है, ये क्या है अपना, जब भी कहीं ओवरफ्लो हो रहा है तब ये आउटलेट के लिए काम आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक से कंपोनेंट है जो मस्ट रिक्वायर है आपके स्टोरेज टैंक में, वो कौन कौन से है तो वो मैं आपको बताऊँ। तो फर्स्ट बात करते हैं ये वेंट इन वेंट आउट क्या है, ठीक है, फर्स्ट मैं बात करूँ जब भी, ठीक है, उसको ऐसे बोला आउट ब्रीदिंग और दूसरी चीज़ है इन ब्रीदिंग, ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है उसके बारे में अगर आपको बता दूँ। सो ये जो अपना स्टोरेज है इसमें क्रूड ऑयल हमने स्टोर किया हुआ है, तो जब भी ये फील हो रहा होगा, ठीक है, जब भी ये फील हो रहा होगा, दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिक्विड को ऐड कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप अपने लिक्विड को ऐड कर रहे हो, और ऑलरेडी मान के चलो कि यहाँ पे गैस के बबल फॉर्म हुए हैं जो वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, गैस है, ठीक है। अब मान के चलो आपने जब इसको फिल कर रहे थे उस टाइम पे
ये गैस के बबल यहाँ थे और आपने ऑयल को फिल करना स्टार्ट किया, लिक्विड को फिल करना स्टार्ट किया, तो ये क्या करेगा, तो ये गैस ऊपर से नहीं निकलेगा, ठीक है, ये ऊपर से नहीं निकलेगा तो ये कंप्रेस हो सकता है, चाहो उतना हो ये गैस कंप्रेस हो सकता है, तो ओवरऑल इसका क्या होगा, इनसाइड का प्रेशर बहुत ही बढ़ जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो कंप्रेस होता चला जाएगा और आप यहाँ से नया लिक्विड डालते ही जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, यू हैव टू ओपन दिस वाल्व, व्हाट यू हैव टू डू, आपको वेंट वाल्व क्या करना है, ओपन करना है, जिसको आउट ब्रीदिंग कहेंगे, यानी कि आपको जो वेपर फॉर्म हुई है गैस की उसको वहाँ से रिमूव कर देना है, ठीक है, इससे क्या होगा, इसका इनसाइड का प्रेशर मेंटेन होगा, ठीक है, तो ये होता है आउट ब्रीदिंग, ठीक है। सिमिलर वेल में जब आप इसको ड्रेन कर रहे होगे, ठीक है, जब भी आप इसको ड्रेन कर रहे होगे तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये गैस यहाँ पे देखो फिक्स वेपर थी, ठीक है, क्या थी, फिक्स वेपर थी, और हमने क्या डिस्कस किया कि ये जो अपना लिक्विड है उसमें से और कुछ वेपर नहीं फॉर्म होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे थे, जो फ्लोटिंग रूप था उसमें तो हम रूप को एडजस्ट करके इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे थे, बट मान लो ये फिक्स रूप है, ये फिक्स रूप है, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, उस टाइम जैसे जैसे आपका ये आप अपना लिक्विड का जो इनिशियल वॉल्यूम है उसको रिमूव कर रहे हो, ड्रेन कर रहे हो, उस टाइम पे आप बैक प्रेशर किससे जनरेट करवाओ, आप इसमें क्या करो, वेंट इन करो, क्या करो, आप इस टाइम में क्या करोगे, वेंट को इन करोगे, यानी कि कोई कैसे वो यहाँ पे आपका गैस क्या करो, फिल करो, वो इस पे क्या डालेगा, बैक प्रेशर डालेगा, ठीक है, बैक प्रेशर डालेगा, तो इसमें से कोई गैस अपना फॉर्म नहीं होगा, तो उसके लिए जो यूज़ होते हैं वो वेंट गैसेस यूज़ होते हैं ऑब्वियसली, नकामे इनर्ट गैसेस यूज़ करेंगे जैसे N2 या ऐसा कुछ, तो इसमें जो क्रूड ऑयल है वो, क्रूड ऑयल में जो गैसेस है वो बाहर ना आए, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना होगा, वेंट इन करना होगा, और उस प्रोसेस को बोलेंगे गैस क्या करोगे आप ऐड करोगे। ऐसा क्यों करोगे, क्योंकि यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये रिमूव हो रहा है, तो इसके दो पर्पजेस है, एक तो इसमें से और वेपर फॉर्म ना हो, बैक प्रेशर बना रहे, दूसरी चीज़ आप गैस ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स आप इसको एक्सपांड नहीं होने दे रहे हो, दैट मीन्स इसकी डेंसिटी भी मेंटेन करके रख रहे हो, ताकि आपका कोलैप्स का क्राइटेरिया मैच हो जाए, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस होती है जो अवेलेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कोई बात करूँ, इसमें बात करूँ, तो ये आउटफ्लो वाल है, ठीक है, ये आउटफ्लो वाल का भी फंक्शन होता है। आउटफ्लो वाल का क्या फंक्शन होता है कि मान लो, मान के चलो ये अब क्या हुआ, ठीक है, ये यहाँ पे अपना लिक्विड था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बट फिर भी आपने फिल करना बंद नहीं किया, ठीक है, फिल करना बंद नहीं किया, तो एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये जैसे यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा तो ये जो आउटर फ्लो आउटलेट है उससे क्या होगा, थोड़ा वॉल्यूम निकल जाएगा, तो उससे क्या होगा, आपका जब फिल, आपको पता नहीं था कि ये फुल हो चुका है, फिर भी आपने फिल करना स्टार्ट रखा, तो उस टाइम के सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या होता है, इसको बाहर निकाल देगा, ताकि अंदर का प्रेशर उतना ना बढ़े और ये बर्स्ट होने से बचे, या फिर मैं बोल सकता हूँ इसके लिए ही हमने ये एक ऐसी असेंबली सेट की है, ठीक है। आपको पता नहीं चला कि ये फिल हो चुका है, फिर भी आपने फिल करते ही गए, यहाँ पर हमें थोड़ा तो गैस प्रेशर मेंटेन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियसली करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें इसको उतना ज़्यादा नहीं बनाना है कि ये बर्स्ट हो जाए, इनसाइड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। दैट वी विल सी व्हेन वी विल सी द प्रेशर वेसल, उसमें मैं बताऊंगा उसके क्राइटेरिया क्या होते हैं, एक टाइप का प्रेशर वेसल भी आप इसको मान सकते हो, बट वी विल सी प्रेशर वेसल, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ऐसा एक सेफ्टी सिस्टम ऑलरेडी उसमें रखते हैं, ठीक है। तो ये थी कहानी स्टोरेज टैंक की, ठीक है, स्टोरेज टैंक की कहानी थी। अब टर्म यूज होता है जब आपका टैंक बैटरी, ठीक है, टैंक बैटरी, इसे टैंक बैटरी का मीनिंग है, टैंक बैटरी टर्मिनोलॉजी का मीनिंग है जब आपका मोर देन टू टैंक आपस में कनेक्टेड हो, ठीक है, मोर देन टू टैंक, और बेसिकली हम कितना काउंट करेंगे, 3 टैंक। दैट मीन्स ये जो आपका टैंक है यहाँ पे, ये कनेक्टेड है दूसरे टैंक से, और ये कनेक्टेड है यहाँ पे तीसरे टैंक से, ठीक है। सो आप जब यहाँ से फिलिंग स्टार्ट करोगे तो पहले इसमें वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, ठीक है, फिर यहाँ से पहले अब ये ऊपर नहीं जाएगा, तीनों में इक्वल वॉल्यूम पहले डिलीवर होगा, ठीक है, तीनों में वॉल्यूम कितना डिलीवर होगा, जब भी आप डिलीवर करोगे तीनों में क्या होगा, इक्वल वॉल्यूम डिलीवर होगा। दैट मीन्स अगर ये एच हाइट तक फिल हो रहा है, ठीक है, ये वाला एच हाइट तक फिल हो रहा है, तो ये हमने टैंक को कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी कितनी हाइट तक फिल होगा, एच हाइट तक, ये भी कितनी हाइट तक फिल होगा, एच हाइट तक, ठीक है। तो तीनों में क्या होगा, जो वॉल्यूम फिल हो रहा है, या मैं बोलूँ हाइट फिल हो रही है, वो सेम होगी,
ओके, तीनों में जो हाइट फिल हो रही है वो सेम होगी, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे टैंक बैटरी या सिंगल टैंक का, ठीक है, टैंक बैटरी या फिर सिंगल टैंक का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, तो मैंने आपको बोला कि हमें गैस ऊपर ऑलरेडी रखना है बैक प्रेशर डालने के लिए, ठीक है, और बस्ट और उससे सुरक्षा देने के लिए। तो मान लो ये एक टैंक है, ठीक है, ये सिंगल टैंक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये टोटल हाइट मेरी है जो ये, ठीक है, यहाँ से ये वाली ले लो, ठीक है, तो ये वाली क्या है, मैं बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम हाइट है, हाइट ऑफ द टैंक है, ठीक है, हाइट ऑफ द टैंक है, ठीक है, ठीक है। और ये वाला जहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक मैं बोल के चल रहा हूँ, यहाँ तक मुझे लेवल मेंटेन करना है, तो ये वाली जो टॉप से हाइट है, ठीक है, ये वाली मैं जेड ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए इफेक्टिव हाइट कौन सी होगी वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, ऑब्वियसली ये वाली, तो एच, ठीक है, एच माइनस जेड जितनी हाइट आप क्या करोगे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करोगे। और ऑब्वियसली यहाँ से आप ड्रेन कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से आप ड्रेन कर रहे हो, ऊपर आपने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, गैस का ब्लैंकेट डाला हुआ है, ठीक है, उसका यूज़ हमने देखा वेंट इन और वेंट आउट के समय ये काम आ रहा है, यहाँ से फील हो रहा है, ये वाला अपना वेंट है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में वॉल्यूम क्या होगा फॉर सिंगल टैंक के लिए वॉल्यूम क्या निकल के आएगा, ऑब्वियसली पाइप बाय फोर, इसका इनसाइड का डायामीटर आपको पता होना चाहिए, दैट मीन्स डी आई स्क्वायर, ओके, इनटू क्या हो जाएगा ये एच माइनस जेड आपको काउंट करनी है, ठीक है। तो इतना वॉल्यूम इसके टैंक में होगा, ठीक है, इतना वॉल्यूम इसके टैंक में होगा। बट जब भी ये टैंक बैटरी की बात कर रहा है, ठीक है, टैंक बैटरी में ध्यान रखना तीनों टैंक में इक्वल वॉल्यूम जाएगा, ठीक है। मान लो ये एच माइनस जेड जितना फिल करके रखा है और आपने टैंक बैटरी लगाई है जिसमें थ्री टैंक आपने ज्वाइन किए हैं, तो ऑब्वियसली ये वॉल्यूम आपको मिलेगा, तीनों में इक्वल वॉल्यूम होगा, दैट मीन्स थ्री टाइम्स सिंगल वेल का वॉल्यूम, ठीक है, दैट मीन्स थ्री, ये थ्री मत भूलना, इंटू पाइप बाय फोर डी आई स्क्वायर इंटू एच माइनस जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका टैंक बैटरी के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, कितना वॉल्यूम अभी अवेलेबल है, या फिर आप इतना वॉल्यूम उसमें, इतना आपका लिक्विड का वॉल्यूम आप मैक्सिमम उसमें डाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत ये आउटलेट के लिए ये वाली जेड मेंटेन करने रखनी होगी, वहाँ पे आपका गैस ब्लैंकेट होगा ताकि आपका वेस्टेज ना हो, ठीक है, ये आउटफ्लो में जाएगा वो कहाँ जाएगा, वेस्टेज ही होगा मोस्टली, ठीक है, या फिर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा के इसको क्या करना होगा, फिर से स्टोर करवाना होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसके हाइट और डायामीटर की, ठीक है। तो एक टर्म है एस्पेक्ट रेशियो, एस्पेक्ट रेशियो किसे कहते हैं, सो एस्पेक्ट रेशियो इज टैंक की हाइट डिवाइडेड बाय टैंक की विड्थ, ठीक है, इसका मीनिंग हुआ एच बाय डायामीटर ऑफ द टैंक, ठीक है, एच बाय डी होगा, दैट मीन्स टैंक की हाइट, ये टोटल हाइट एज वेल एज दी ये डायामीटर डी आई, ठीक है, तो ये कहते हैं इसको एस्पेक्ट रेशियो। इसके मीनिंग पे मैं बोल सकता हूँ, एक चीज़ मैं निकाल के आपको बोल सकता हूँ कि जब भी वॉलेटाइल कंपोनेंट है, कैसे वॉलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, वॉलेटाइल कंपोनेंट है तो क्या सूटेबल रहेगा, हाई एस्पेक्ट रेशियो सूटेबल रहेगा, दैट मीन्स हायर दी हाइट और या फिर लोअर दी डायामीटर, दैट मीन्स आपका टैंक कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा जब आपके वॉलेटाइल कंपोनेंट ज़्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो ये दो केसेस है, ठीक है, ऐसे दो केसेस है, ठीक है, ये ऐसे दो केसेस है, ठीक है, पहले ऐसे दो केसेस देख लो, ऑब्वियसली बात है, तो मैं बोल रहा हूँ आपका वॉलेटाइल कंपोनेंट हाई है आपके क्रूड ऑयल में, दैट मीन्स ज़्यादा वेपर अमाउंट है, ठीक है, ज़्यादा वेपर फॉर्म करने की, ज़्यादा वेपर अमाउंट वो फॉर्म कर सकता है। मान लो यहाँ पे अपना हुआ लिक्विड, ठीक है, आपने इसको ड्रेन किया तब आपका ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो अब अगर ये वाली हाइट ज़्यादा हुई, ठीक है, ये वाली हाइट ज़्यादा हुई, ठीक है, ये वाली क्या हुई, हाइट ज़्यादा हुई, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपने गैस यूज़ किया है, ठीक है, यहाँ पे जो आपने, यहाँ पे एक तो देखो ये एरिया, ठीक है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वहाँ से आपका सेपरेशन हो रहा होगा, वॉलेटाइल कंपोनेंट ऊपर जा रहे होंगे वो कम जा पाएंगे, ठीक है, जब एच आई होगी तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑब्वियसली लो होगा क्योंकि आपका डायामीटर लो है, और ये वाले केसेस में देखो पूरा का पूरा एरिया क्या है, यहाँ से आपका वेपर क्या करेगा, आपका प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, दैट मीन्स
जो आपका वेपर है उसको आपको इजीली यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये सेपरेटर जैसा ही तो है। हॉरिजॉन्टल सेपरेटर में क्या होता था, अच्छा खासा गैस क्या होता था, लिक्विड से सेपरेट होता था, जबकि वर्टिकल सेपरेट में अच्छा खासा सेपरेट नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि इसमें एरिया अवेलेबल कितना है, इतने एरिया में से आपका वेपर जा रहा है और इतने एरिया में से आपका वेपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये सूटेबल रहेगा, इसमें कम वेपर आपका फॉर्म होने के चांसेस है। ठीक है, तो वॉलेटाइल कंपोनेंट दैट मीन्स हाई एच बाई डी, और नॉन वॉलेटाइल के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स हायर दी C6+ के लिए क्या सूटेबल रहेगा, लो एच बाई डी। ठीक है, लो एच बाई डी, क्योंकि इसमें डायामीटर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है, तो डी ज़्यादा है तो वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा, तब आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे सारे जो स्टोरेज टैंक देखे, उसकी डिज़ाइन और उसके आस्पेक्ट देखे। सिंपली इट्स ऑल अबाउट दी अबो ग्राउंड स्टोरेज टैंक। ठीक है, अब तक हमने क्या कवर किया, अबो ग्राउंड स्टोरेज टैंक। ठीक है, अब इसमें भी एक वेराइटी है, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। ठीक है, क्या है, अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक। सो अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक में क्या होता है, अंडरग्राउंड दैट मीन्स आपकी ये सरफेस है। ठीक है, आपने यहाँ से मान लो ये क्या है, एक आपका ये डिप्लीटेड फील्ड है। ठीक है, डिप्लीटेड फील्ड दैट मीन्स आपने यहाँ से प्रोडक्शन ले लिया है। ठीक है, डिप्लीटेड फील्ड है और आपको अभी गैस स्टोर करना है और आपके पास स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप क्या करो, आपने जो प्रोड्यूस किया उसको ये डिप्लीटेड में डाल दो। ठीक है, तो ये अंडरग्राउंड पे क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। इसके अलावा सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, तो आपको पता है सॉल्ट फॉर्मेशन की परमेबिलिटी और क्या होती है, कम होती है वेरी, बट उसमें पोरोसिटी होती है, जिसमें आप अपना प्रोड्यूस किया हुआ फिर से डाल सकते हो, या फिर डिप्लीटेड एक्वीफर है तो भी काम चलेगा। ठीक है, आपने वाटर था पहले, वो अब वाटर वहाँ से आपने प्रोड्यूस कर लिया है पीने के लिए, ऐसे कुछ के लिए, तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। तो अंडरग्राउंड के बेनिफिट्स क्या है, ऑब्वियसली इसके बेनिफिट्स हो गए। फर्स्ट चीज़, ये बाहर के फैक्टर जैसे विंड या फिर मैं कुछ भी बोलूँ अर्थक्वेक, या इस पर डिपेंड नहीं करता। जो जो जापानीज कंट्री है जहाँ पे अर्थक्वेक फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो वहाँ पे अगर सरफेस पे होगा तो पूरा बिखर जाएगा, बट आपने अंडरग्राउंड स्टोर किया है तो ऑब्वियसली ये बेनिफिट्स करवाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका गैस है वो, ठीक है, गैस या फिर हाई वॉलेटाइल कंपोनेंट है, जो सरफेस पे आप प्रेशर मेंटेन करके उसको लिक्विड फेज में नहीं रख पा रहे हो। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे आप क्या करोगे, हाई प्रेशराइज करके इसको वापस लिक्विड बना के रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कोस्ट में भी, ये देखो इसका कोस्ट क्या, आपको ज़मीन लीज पे लेनी है। ठीक है, और एनवायरनमेंट की इफेक्ट में नहीं आती, तो जहाँ पे फ्रिक्वेंटली कुछ हो रहा है एक्टिविटी सरफेस पे, अर्थक्वेक आ रहा है, सुनामी आ रही है, फ्लड आ रहा है, तो वहाँ पे ये ज़्यादा सूटेबल है, एज वेल एज दी कोरोजन और ये सब इश्यू भी इसमें नहीं आएंगे ऑब्वियसली। ठीक है, ठीक है तो आपको कौन कौन से लॉसेस के बारे में ध्यान रखना है, एक तो देखो हो सके उतना लिक्विड में से अपना जो क्रूड ऑयल स्टोर है उसमें से क्या ना हो, अपना जो क्रूड ऑयल स्टोर है उसमें से वेपर ज़्यादा निकल ना जाए। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, इनर्ट जैसे N2 उसका वेंट यहाँ पे ब्लैंकेट बना के इसको प्रेशराइज करोगे, ताकि ये प्रेशराइज हुआ रहे लिक्विड में, प्रेशराइज किया है तो लिक्विड में बना रहे। ठीक है, तो ये था अपना स्टोरेज टैंक, दिस इज दी ऑल अबाउट दी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, सरफेस फैसिलिटीज। ओके, तो सरफेस फैसिलिटीज में से आई होप आई हैव कवर्ड इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, इसमें और कुछ ज़्यादा मुझे दिखता नहीं है आपको पढ़ाने को। ठीक है, जो भी मुझे अच्छे से वो था मेरे दिमाग में, ठीक है, आई ऑलरेडी डिलीवर टू यू। ओके, मेरे हिसाब से दिस इज़ वेल इनफ। और आप पढ़ना चाहो तो आर्नोल्ड वाली बुक है, सरफेस फैसिलिटीज पे पूरी बुक है, दो पार्ट है, बहुत बड़ी बुक है, यू कैन रीड दैट आउट इफ़ यू वॉन्ट। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तो सब कुछ मोस्टली कवर किया है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कुछ छूट रहा है, देन यू कैन गो एंड यू कैन रीड। ठीक है, ये सिंपल सा टॉपिक है, इसमें और कुछ ज़्यादा करने को, ठीक है, गेट में तो वैसे भी थियोरेटिकल क्वेश्चन इससे नहीं आते, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आप चाहो तो देख लो प्रीवियसली भी क्या हुआ था, प्रीवियसली भी इसमें से जो क्वेश्चन आया वो बेसिक कॉन्सेप्ट पे था, वो कॉन्सेप्चुअल था, वो कोई ज़्यादा उसके लिए स्टोरेज टैंक की नॉलेज आवश्यक भी नहीं थी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल स्टार्ट विथ दी फ्लूड मैकेनिक्स पार्ट एंड वी विल कम्प्लीट फ्लूड मैकेनिक्स, देन हीट एक्सचेंजर एंड प्रेशर वेसल, एंड आई वुड लाइक टू कम्प्लीट दी प्रोडक्शन। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो 7 और 8 वीडियोज़ मोर रिमेनिंग
ऑफ दी 1.5 आवर यू कैन से रफली. सो 7 डेज हो गए मोस्टली 1.5 आवर पर या 2 आवर पर डे का सेशन ले रहा हूँ. तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र.